तो दोस्तों, जब अपने मोबाइल के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी करते हो, या मोबाइल के कुछ भी सेटिंग में जाते हो या कुछ भी करते हो, तो आपके सामने अगर इस तरह का एडवर्टाइज आ जाता है तो आपको बहुत गुस्सा लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह का प्रॉब्लम कैसे ठीक करते हैं। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में दो तरह से आते हैं, या तो आपके मोबाइल के सेटिंग से या फिर आपके क्रोम ब्राउजर से। तो आज मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूँ जिसके द्वारा दोनों तरीके से आप इस तरह के जो एडवर्टाइज को बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको मोबाइल सेटिंग में जाता हूँ। मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको चले जाना है मोबाइल के गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ आपका गूगल का जो भी अकाउंट है, आपका गूगल का अकाउंट खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एडवर्टाइज का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको जो नीचे दिख रहा है आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आई डी, उसको आपको डिलीट कर देना है और फिर आपको बैक चले जाना है। उसके बाद आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर ये तरीका सही नहीं होगा तो आपको फिर वापस चले जाना है मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद क्रोम के सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग ओपन करने के लिए आपको जो वहाँ पर एरो का आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको चले जाना सेटिंग के सेक्शन में। सेटिंग सेक्शन में जाने पर आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा उसको ऊपर करता हूँ, साइट सेटिंग का। आपको साइट सेटिंग ओपन करना है। साइट सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा मैं उसको ऊपर करता हूँ, ADS एडवर्टाइजिंग का, उसको ओपन कर लेना है। आपका यहाँ पर ऑन होगा, उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको फिर वापस बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है पॉपअप एंड डेडिकेट्स, उसको आपको यहाँ ऑन होगा, उसको ऑफ कर देना है। इतना ही करते ही दोस्तों आपके जो मोबाइल का जो ये प्रॉब्लम था सॉल्व हो जाएगा। आपके मोबाइल में इस तरह का एडवर्टाइज फिर कभी नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।